गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वोक इन क्रिएशन। और आज मैं आपके लिए कुछ अलग बताने वाली हूँ। जी हाँ, आप में से बहुत से लोग शायद इस बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि आपको तो वो बात किसी ने बताया ही नहीं हो, क्योंकि शायद वो खुद भी इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न नहीं जानते हैं। आप जानते हैं कि हमारा इंडिया परंपराओं का देश है, हमें पहले से जो बातें बताई जाती हैं हम उसको एक अंधविश्वास के तरीके से मानते हैं। आज हम उन्हीं मिथ्स और उनके पीछे के साइंटिफिक लॉजिक के बारे में बात करने वाले हैं। सो Do not go outside the house during the solar eclipse। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब सूर्य ग्रहण पड़ता है उसके दौरान हमारे बड़े बूढ़े हमें घर से बाहर निकलने से मना करते हैं, या तो उन्हें नंगी आंखों से देखने से मना करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कुछ अशुभ होगा, कुछ बुरा होगा। पर उसके पीछे का एक्चुअल रीज़न तो ये है कि जो सूर्य की रेज पड़ती है वो हमारे रेटिना पर हार्म करती है। सोलर रेडिएशन से आंखों के नाजुक टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, जिनको रेटिनल सनबर्न कहा जाता है। नींबू मिर्चा टोटका एट होम एंड शॉप। एक्चुअली नींबू में सैरिक एसिड होता है, जो कि एक तरह का कीटनाशक का काम करता है, और पुराने टाइम पे तो कीटनाशक नहीं होते थे, इसलिए वे नींबू मिर्च लगाकर कीटों को अपने घर से और दुकानों से दूर रखते थे। जैसा कि आपको पता होगा कि नींबू और मिर्च में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और जब इसे धागे में पिरोया जाता है तब धागा उसके रस को अवशोषित कर लेता है और धीरे धीरे एनवायरनमेंट में इसकी महक को फैला देता है, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्दी है। साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड बेल रिंगिंग इन टेम्पल्स। कहा जाता है कि मंदिरों में घंटी बजाने से भगवान जी उठ जाते हैं ताकि हम प्रार्थना कर सकते हैं, या तो फिर वो खुश हो जाते हैं। बट एक्चुअली इसके पीछे का लॉजिक तो ये है कि घंटी बजाने से एनवायरनमेंट में एक कंपन पैदा होती है, और इस कंपन के एटमॉस्फेयर में फैलने से बैक्टीरिया और वायरस ख़त्म हो जाते हैं और एनवायरनमेंट शुद्ध हो जाता है, और हमें इसके साथ ही पॉजिटिव वाइब्स मिलती है और निगेटिव वाइब्स हमसे दूर रहती हैं। यही रीज़न है इसका असली। डोंट गो नियर अ पीपल ट्री एट नाइट। बहुत से लोग सोचते हैं कि पीपल की पूजा करने से भूत प्रेत भागते हैं, और रात में पीपल के पेड़ के पास जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ भूत प्रेत होते हैं। एक्चुअली इसकी पूजा भी इसलिए की जाती है ताकि इस पेड़ के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े और उसे काटे नहीं। पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन देता है, और ये हमारे लिए हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। Why Indian people's coin throw in holy rivers? Ancient time में कॉपर के सिक्कों का यूज़ किया जाता है, क्योंकि कॉपर पानी के प्योरिफिकेशन में काम आता है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि कॉपर के बर्तन में रखा पानी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सिक्के पानी बहुत टाइम तक जमा रहते हैं, उसका अंश धीरे धीरे जल में घुलता है, जो कि उसकी प्योरिफिकेशन प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है। और लोग सोचते हैं कि पानी में सिक्के डालने से किसी की विश पूरी होती है, या तो भगवान जी खुश होते हैं। ऑलवेज स्वॉलो तुलसी लीव्स, डू नॉट च्यू। तुलसियों की पत्तियों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयरन और मरकरी होता है, जो कि हमारे दांतों को बेहद नुकसान पहुंचा सकता है। उसमें आर्सेनिक की मात्रा भी होती है, जो एक तरह का जहर माना जाता है। इससे दांतों में सड़न और मसूड़ों में दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमें इसको चबाना नहीं चाहिए, दांतों से पानी के साथ निगल लेना चाहिए। ये इससे हमारी हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक है। डोंट कट योर नेल्स आफ्टर द सनसेट। अक्सर कहते हैं लोग कि रात के टाइम नाखून नहीं काटने चाहिए, कुछ बुरा होता है, कुछ अशुभ होता है। पर एक्चुअल में सच्चाई तो यही है कि पहले के टाइम पे लाइट नहीं हुआ करती थी, इसलिए लोग सुबह, दोपहर और शाम को नाखून काटते थे, और उनके औजार भी बहुत ही खतरनाक होते थे जिससे वो काटते थे, ताकि किसी को चोट ना आए इसलिए वह रात को नाखून नहीं काटते थे। पर आज के टाइम पर तो लाइट भी है, तो ये धारणा गलत है। डू नॉट स्लीप विद योर हेड फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। सोने के लिए नींद बहुत ज़रूरी है, हमें 7 से 8 घंटे के लिए नींद लेना ज़रूरी है। पर सिर्फ सोने के लिए घंटे नहीं, एक सही पोजीशन भी ज़रूरी है। सौर मंडल में मैग्नेटिक वेव साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाती हैं। जब हम नॉर्थ डायरेक्शन में सिर करके सोते हैं, ये वेव सिर से होते हुए पैरों की तरफ गुजर जाती हैं। ये प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है। अगर हम साउथ पोजीशन में सोएंगे तो इन वेव्स का उल्टा इफेक्ट पड़ेगा, इससे हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी भी हो सकती है। Thank you for watching and listening. For more information, please subscribe our channel. Thank you.